नमस्कार, एनबीएससी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नितिका शर्मा आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने गुरुवार को ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि मोदी राज में व्यवस्था का हर तबका परेशानी के दौर से गुजर रहा है। मोदी का जन विरोधी राज और बढ़ती महंगाई से जनता भी नाराज है। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बेतहाशा वृद्धि, देश में महंगाई भी आसमान छू रही है। इधर केंद्र सरकार ने सभी बड़े सरकारी महकमे निजीकरण के नाम पर बड़े धरना सीटों के हवाले किए जा रहे, वहीं बड़े उद्योगपतियों को लूट की खुली छुट्टी दे रही है। पूर्व की कांग्रेस सरकार के विकास के रोडमैप पर भी ब्रेक लगा दिया है, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे संघ के इशारों पर शासन चल रहा है। भगोरा ने प्रदेश की गहलोत सरकार के कार्यों की सराहना कर कहा कि प्रदेश में कोविड लॉकडाउन के बावजूद भी अभाव अभियोगियों के निस्तारण में कोरोना मैनेजमेंट प्रदेश कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर टॉपल रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार हर हालत में बर्दाश्त नहीं होगा जाएगा, वहीं किसी भी क्षेत्र में भ्रष्ट को छोड़ा नहीं जाएगा। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष करण सिंह चौहान, जिला महामंत्री रूपशंकर त्रिवेदी, ब्लॉक प्रवक्ता विनोद मालवी, देवेंद्र सिंह राठौर, दिगपाल सिंह टोकवासा आदि उपस्थित थे। ये सिर्फ भगवान राम का नाम लेकर के इनको बेचने का काम कर रहे हैं। एक भी लक्षण नहीं है लिखना इन आरएसएस वाले और भाजपा में भगवान राम के या हिंदुत्व कहने के दो लक्षण भी नहीं है। अपने आप को हिंदू मानते हैं और देश को बर्बाद के कगार पर ले जा रहे। हिंदुस्तान विश्व का इंसान कसर था, सिरमौर राष्ट्र बना, हर क्षेत्र में सिरमौर बना, मगर आज मोदी जी ने हिंदुस्तान को विश्व के तमाम देशों में 150 नंबर से नीचे ले गए, पायदान पर ले गए। ये हमारा अहोभाग्य दुर्भाग्य आने वाली नई जनरेशन के लिए दुर्भाग्य हो गया भाजपा का। इसलिए आम जनता से मेरी अपील है, कांग्रेस जैसी महान संस्था जिसने 70 साल में जो सूर्य मंत्री से बाद महाराष्ट्र किया, ये भाजपा झूठ बोल करके यहाँ तक जा के देश को बर्बाद की सरकार सरकार पर आई है। इसलिए देशवासियों की अपील है, वागड़वासियों से धार करके वागड़ का जो कुछ विकास हुआ है, रोड, बड़े बड़े मान सब कुछ कांग्रेस की देन है। आइए हम उसके धारा मिले। दूसरी जहाँ तक पार्टियाँ हैं, अक्षरजी पार्टी के नाम से आई है, तो पाकिस्तान बना था वो भी धर्म के नाम से बना था, वो आज असफल हो गया, न जात के नाम से न समाज के नाम से, बल्कि व्यक्ति को एजुकेशन कहाँ मिले, व्यक्ति को रोजगार कहाँ मिले, और इसके आधार पर देश में सिर्फ कांग्रेस की और कोई पार्टी नहीं। हमारे लोग साथी जो उनके दायरे से अलग हो गए, उनसे मेरा अपील है, हाथ जोड़ के विनती है कि आपने 2.5 साल के शासन में देखा होगा अलग होकर के आज वागड़ अंचल का विकास थमता गया है। ये ठीक है, कांग्रेस का राज है, एक विजय के डूंगरपुर की बदौलत कुछ विकास का आयाम मिल रहे हैं। अगर मुख्य धारा में जुड़ेंगे तो वागड़ में पूछी ईसाई में बड़ी बड़ी योजना जो आई थी, ऐसी योजना और जा सकती है। और आपका